दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीके स्टडीज, जहां आप नॉलेज के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो जैसे आपको पता है, हमने यूनाइटेड नेशन स्टार्ट किया था और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कर रहे थे, और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है, ठीक है, और बहुत छोटा वीडियो होगा। ट्रूटीज काउंसिल करेंगे हम, जिसके बारे में आप जानेंगे आप। सो बताना है सीरीज कैसे लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर कमेंट तो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल ऑर्गन कर रहे थे यूएन का लास्ट, अब सीरीज खत्म होने वाली है। ट्रूज टी शिप काउंसिल। ट्रूज टी शिप काउंसिल का है क्या और क्यों बनाया गया था, देखते हैं। पहला पॉइंट, वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन, या मेन की बात की है, मेन प्रिंसिपल ऑर्गन किसका, यूएन का, ऑर्गन ऑफ द यूएन, वाज एस्टैब्लिश्ड टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरी एज दे ट्रांसिट फ्रॉम कॉलोनीज टू सोवरेन नेशंस। यानी तो पहले बात यही कह रहे हैं कि मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, ठीक है, और इसे क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि हम जो ट्रस्ट टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सुपरवाइज कर सकें, कहें तो कि ट्रस्ट टेरिटरी को प्रशासित कर सकें, ठीक है, उन्हें चला सकें, क्योंकि वो उस वक्त कलोनी से सोवरन नेशन पर बदल चुकी। तो ये ट्रस्ट टेरिटरीज क्या थे, कि ट्रस्ट टेरिटरी मतलब कि लीग ऑफ नेशन के, मतलब कि संस्कृत से उत्तराधिकारी थे लीग ऑफ नेशन के, ठीक है, जो बाकी बचे ट्रस्ट टेरिटरीज थे वो सब फिर बाद में यूएन में चले गए थे, ताकि उन्हें उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे प्रशासित किया जा सके, उसे सुपरवाइज किया जा सके। जब लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गई तो इनके पास कुछ बचा नहीं, तो यूएन के पास ये गए। 1946 में लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गया था, तो यूएन ने इन्हें मतलब कि अपनाया, ठीक है, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे सुपरवाइज किया है। और कैसे सुपरवाइज किया, इस काउंसिल के तहत, ट्रूटीशिप काउंसिल में सभी ट्रस्ट टेरिटरीज आते हैं, इस काउंसिल के तहत मतलब कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसे सुपरवाइज किया गया था, मतलब कि इन देशों को प्रशासित किया गया था, ऐसा कह सकते हैं आप, चलाया गया था, करो, क्योंकि अभी अभी तो सोवरेन नेशंस बने, ठीक है। और जो बट इसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि आप कह सकते हैं ये नहीं है, मतलब पेपर में है अभी, यूएन के चार्टर में, रूल्स में लिखा गया है, मतलब रिटन में है, लेकिन अब नहीं है वैसे, क्योंकि इस काउंसिल की जो एक्टिविटीज थी उसे सस्पेंड कर दिया गया था 1 नवंबर 1994 को, जब पलाव की इंडिपेंडेंस हुई थी, मतलब जब पलाव आज़ाद हुआ था, तब उसके साथ ही काउंसिल ने इस एक्टिविटी को, इनकी एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया था। जो पलाव है यूएन की लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी है, ठीक है, तो काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया इनकी एक्टिविटीज़ को 1 नवंबर 1994 में, कि अब क्योंकि इनका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया। तो एक बार दोबारा देखें, पहले तो एक मेन ऑर्गन है यूएन का, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इस्टेब्लिश किया था क्योंकि जो ट्रस्ट टेरिटरी हैं, जो अभी कलोनी से सोवरन नेशन बनी है, उन्हें चलाया जा सके, उनको प्रशासित किया जा सके, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज किया जा सके, ठीक है। पर ट्रस्ट टेरिटरी होती क्या है, ये ट्रस्ट टेरिटरी क्या है, एक तरह देश ही थे, ठीक है, लीग ऑफ नेशन में, ये लीग ऑफ नेशन में थे, फिर बाद में यूएन में चले गए थे, एक तरह लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी थे, संस्कृत थे, ठीक है। ये जब लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गई 1946 में, तो ये यूएन ने अपनाया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज किया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रशासित किया, ठीक है। फिर काउंसिल ने 1 नवंबर 1994 को अपनी एक्टिविटी सस्पेंड कर दी, क्योंकि इनका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था, जो इन्हें करना था, एडमिनिस्ट्रेशन करना था, वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। पर किसके इंडिपेंडेंस के साथ, पलाव के इंडिपेंडेंस के साथ, ये जो कि लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, और जैसे आपको बताया, अब यूनाइटेड नेशन की सीरीज ख़त्म हो चुकी है, तो बताना सीरीज कैसे पसंद आई, और मैं एक और सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है, जरूर देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।